वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे निकली है NIPER की तरफ से। गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे NIPER वेरियस रिक्रूटमेंट 2022 के लिए। तो चलिए एक बार इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। गाइस, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकला है हैदराबाद की तरफ से, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च की तरफ से यहाँ पे निकला है। तो गाइस, यहाँ पे जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 1 फरवरी से लेके 2 मार्च है, यानी कि 2 मार्च तक आप इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 निकली हैं। एंड गाइज, यहाँ पे पोस्ट वाइज डिटेल्स भी दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, फिर असिस्टेंट ग्रेड वन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टोर कीपर, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट। गाइज, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, पे लेवल भी यहाँ पे इन्हीं के साथ दिया हुआ है। और बात कर लेंगे मैक्सिमम एज लिमिट की, तो वो भी यहाँ पे गिवन है। जैसे कि बात करेंगे स्टोर कीपर के लिए, तो स्टोर कीपर के लिए 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। अकाउंटेंट की बात करेंगे तो 35 है। साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड वन की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। आगे देख लेते हैं गाइज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड वन के लिए एंड साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड टू के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एमएससी एम फार्मा, या तो आपने एमएससी किया हो, या फिर आपने एम फार्मा किया हो, या फिर एमबीएससी आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर गाइज, यहाँ पे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, तो आपने बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से यहाँ पे कंप्लीट की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे गाइज, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट की हो कंप्यूटर साइंस में तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की बात करेंगे, आपने बीकॉम किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की बात करेंगे, तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो किसी भी स्ट्रीम में तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। स्टोर कीपर की बात करेंगे, तो आपने बैचलर ऑफ साइंस यानी कि आपने बीएससी किया हो, या फिर आपने बीकॉम किया हो, तो आप फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करेंगे, तो आपने मास्टर डिग्री यहाँ पे कंप्लीट की हो या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और आपका जो मेन सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश ही होना चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी मीडियम से, मतलब ऐसे हिंदी एज ए मीडियम आपने कंप्लीट की हो, और इंग्लिश यहाँ पे एज कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, यहाँ पे बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड वन की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हो किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम गाइस, यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड टू के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे, तो आपने यहाँ पे 12th कम्प्लीट किया हो और आपके पास 12th में यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट हो तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे गाइज अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी हुई है www.niperhyd.edu.in पे जा करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, 500 रुपीज आपकी फीस पेमेंट यहाँ पे रहेगी। गाइज, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस फॉर ₹500 फॉर ईच पोस्ट, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पे हर पोस्ट के लिए ₹500 फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड गाइज, ये नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। होप सो गाइज, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि कैसे अप्लाई करना है एंड क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइज, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CBF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE. तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।